पूरे प्रदेश के अंदर बरसातों का मौसम है और कुछ जगहों में काफ़ी नुकसान पिछले कुछ दिनों में प्रदेश के कुछ इलाकों के अंदर हुआ है, जिस पे सरकार गंभीरता के साथ रेस्टोरेशन का काम पूरी मजबूती से हर इलाके के अंदर कर रही है। कुछ दिन पहले माननीय मुख्यमंत्री जी ने एक हाई पावर कमेटी की बैठक यहाँ पे करी थी विदेश सचिवालय में, और हर जगह के लिए निर्देश दिए गए हैं कि जहाँ पर भी डैमेजेस हो रहे हैं, फ्लड्स आ रहे हैं, सड़कें बंद हो रही है, उसको मजबूत करने के लिए और उसको ठीक करने के लिए जो है ग्राउंड पे कार्य तुरंत करवाया जाए। और उसी संदर्भ में हमने प्रदेश में जो अफेक्टेड एरियाज़ हैं उनका एक विस्तृत दौरा पिछले 3-4 दिन के अंदर किया है। इसमें मंडी जिला में भी बहुत डैमेज हमारा पद्दर के अंदर, पद्दर क्षेत्र में द्रंग विधानसभा क्षेत्र के अंदर हुआ है। वैसे ही कुल्लू जिला में और शिमला जिला में, खास करके जो हमारा आनी का क्षेत्र है वहाँ पर भी काफ़ी नुकसान हुआ है, और रामपुर का जो हमारा समेज का इलाका है वहाँ पर भी काफ़ी नुकसान हुआ है। तो उस पर पूरी मजबूती से सरकार कार्य कर रही है, लोक निर्माण विभाग पूरी मजबूती से इसके ऊपर कार्य कर रहा है, और हम पूरा प्रयास कर रहे हैं कि रेस्टोरेशन सड़कों की जल्द से जल्द पूरी करवाई जाए। मैंने खुद व्यक्तिगत रूप से मौका का निरीक्षण किया, मुख्यमंत्री जी वहाँ पर उपस्थित रहे और हर तरीके से कैसे समय पर जो है वो सड़कों की बहाली करवाई जाए। कई जगहों पर ब्रिजेस बह गए हैं, उनको तुरंत जो है वो आपके बेली ब्रिजेस लगवाकर उनको रिस्टोर करने का प्रयास किया जा रहा है, जिसका काम आज से शुरू हो गया है 3 जगह पर, और अगले हफ्ते भर के अंदर या 10 दिन के अंदर उनको हम कोशिश करेंगे कि वो वापस रिस्टोर किए जा सके। और उसी संदर्भ में आज सुबह ही मेरी मुख्यमंत्री जी से चर्चा हुई है और उन्होंने एडिशनल PWD को जो है वो 20 करोड़ रुपये दिए हैं, ताकि हम नए और बेली ब्रिजेस प्रदेश में हमने पिछले साल भी खरीदे थे, इस साल और एडवांस के लिए हम खरीद सके, इसके लिए उन्होंने अनुमति दी है इसकी।